आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनुज शुक्ला जी, जिन्होंने जातिका देश मार्ग एक दक्षिण भारतीय ग्रंथ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से शोध किया है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, जो हमारा आने वाला महत्वपूर्ण पर्व दिवाली है उसके बारे में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। गुरु जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, एक सवाल ये भी है कि दीपावली की रात में तंत्र साधना होती है, ये मान्यता कहाँ तक ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, तंत्र जो है, तंत्र का अगर छंद विच्छेद किया जाए तो तंत्र एक तन की साधना है। नायत त्रायत को जैसे एक श्लोक है तो उसमें क्या है, तंत्र का मतलब कहा गया फैलाव, बहुत ज़्यादा जो लंबा विस्तार से फैलाव होता है तो वो होता है। हमारे वहाँ जो आर्य में हैं, आर्यों ने कई उसका संप्रदाय का उसमें मिलता उल्लेख मिलता है, जैसे कि शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय हैं। अब है क्या, हमारे वहाँ जो ये नवरात्र से लेकर और दीपावली तक एक महीने का जो काल चलता है, ये शाक्त संप्रदाय का जो है वो मनाने का या पूजा अर्चन का विधान है, परंपरा है। उसमें क्या, शाक्त का मतलब होता है तंत्र। तंत्र कोई ऐसा नहीं किसी का नुकसान करे, इसमें 10 महाविद्याओं और 64 यगुनों की जो है वो सिद्धि की जाती, उनकी आराधना की जाती। दीपावली का काल जो है वो विशेष कर क्या है, वो एक बहुत ही ऊर्जावान काल है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन या नवरात्र के काल में या सूर्य ग्रहण के कार्यकाल में, अमावस्या के दिन हम अगर कोई साधना करते हैं तो वो सिद्धियां हमें थोड़ा कम समय में प्राप्त हो जाती, ऐसी मान्यता है। इससे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसे लोग उल्लू को देते हैं ढूंढते वाले, ये सब खाली कोरी कल्पना है। अगर उल्लुओं से माँ लक्ष्मी जो है आत्मसात हो जाएं या सिद्ध हो जाएं तो लोग फिर जीवन में अब दुखी ना रहें। दुख तो हमारे कर्मों से आता है, माँ लक्ष्मी तो कृपा तभी बरसाएंगी। तो तंत्र का विधान जो है वो शाक्त संप्रदाय से है और शाक्त में शक्ति की पूजा की जाती है। वो जो तंत्र जिसको समझते हैं लोग कि उच्चाटन मानन, ये तंत्र इसमें नहीं होता है। ये पूरा एक महीना शाक्त संप्रदाय शक्ति की उपासना कर पर्व है। जैसे वैष्णव पर्व, वैष्णव संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय में है कि भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार जो हैं उनको मानने वाले, उनको कहते हैं विष्णु वाले भक्त। शैव संप्रदाय यानी कि जो शिव जी को मनाते हैं, शिव जी का एक पूरा महीना होता है, सावन का महीना होता है, उसमें लोग अर्चन करते हैं। जैन धर्म में ऐसे होता है बैसाख के महीने में, सिख धर्म में बैसाखी होती है पूरा महीना। तो ऐसे हमारा जो ये काल एक महीने का है वो सिर्फ शाक्त संप्रदाय का है, यानी शक्ति की उपासना का पर्व है। इससे तंत्र का कोई विशेष लेना देना नहीं है। हाँ, नवरात्र से लेकर दीपावली तक, अभी सत पूर्णिमा पड़ी तो सत पूर्णिमा से लेकर इधर तक पूरा आकाश हमारा एकदम साफ होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में इतनी वर्षा होती है तो आकाश एकदम साफ होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा को जो है खीर लोग रखते हैं, ताकि चंद्रमा की अधिकतम किरणें उसमें जो है मिले हमें, और हम उसे आयुर्वेद के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में उनका सेवन करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये उस उद्देश्य से उसको रखा गया है। तो हाँ, ये जरूर है कि दीपावली की रात में इसे तीन काल होते, प्रदोष काल, निषिद्ध काल और महानिषिद्ध काल। तो प्रदोष काल में क्या होता है, जो गृहस्थ लोग होते हैं वो पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। निषिद्ध काल में जो व्यापारी वर्ग है, महानिषिद्ध काल में जो लोग साधनाएं करते हैं, मतलब जो भी शक्तियां हमारे हैं उनको जागृत करते हैं, यानी जागरण का पर्व है ये, रात्रि जागरण का पर्व है। यानी हमने पहले भी बताया कि जागृत मतलब जागृत जो भी आपके अंदर है, जो भी आपने सिद्ध किया है या आपकी आत्मचेता है, उसको जागृत करिए, पुनः रिचार्ज करिए। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ऐसे हमारे पास जो कुछ है, ईश्वर की कृपा है या शक्ति है या हमने सिद्ध कुछ किया है, उसको जागृत का पर्व है। ऐसे आप देखते होंगे गांव में लोग खेतों का जगाते हैं, क्यों जगाते हैं, ताकि वो हमारे पुनः चार्ज रिचार्ज हों। हम कोई भी व्रत त्यौहार रखते हैं, अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए रखते हैं, तो ये रिचार्ज का पर्व है। यानी तंत्र का कोई घोर नहीं कि इसे पर बलि चढ़ाई जाए तो ये तंत्र सफल होगा,
दर्शकों, ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनुज शुक्ला जी, जिन्होंने दिवाली, कोरोना, धनतेरस और तमाम तरीके की जानकारी हमसे शेयर की और बहुत ही अच्छी बातें बताएं कि किस तरह से दिवाली मनाएं, किस तरह से उनका पूजन करें और विशेष कर से स्त्रियों का क्या महत्व है समाज में, उनकी पूजा करेंगे तभी आपके घर में सुख आएगा। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।